हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों ने हमारा ये घर हमारे व्लॉग में कई बार देखा होगा, टुकड़ों टुकड़ों में, कभी ये पार्ट, कभी वो पार्ट, कभी ये पार्ट, कभी वो पार्ट। लेकिन आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर टूर दूंगा, आप लोगों के घर का सारी चीजें बताऊंगा कि क्या है, कैसी है, ये घर हम लोगों ने कब लिया था और जब लिया था तब कितने में लिया था और अब जाके इसकी प्राइस कितनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। हमारा जो घर है वो वहाँ नीचे से शुरू होता है, तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली वहाँ नीचे। चलो सोल्जर। और हाँ, हमारे साथ ये दो सोल्जर रहेंगे, एक सोल्जर अंजलि हमारी सबसे बड़ी भतीजी और एक सोल्जर खुशी हमारी सेकंड नंबर की भतीजी। तो चलो आक्रमण शुरू करते हैं डायरेक्टली नीचे के रूम में। शुरू से शुरू करते हैं ये हमारे नीचे का रूम सबसे, फिर यहाँ से ऊपर से आके आता है मिडिल रूम, फिर ऊपर से थर्ड। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है ये घर की एंट्रेंस है हमारी, और ये है जो सबसे पहला रूम। यहाँ पर रहते हैं मेरे भाई, भाभी और तीन भतीजे। वैसे तो भतीजे हमारी सारी ऊपर ही रहती है, मेरे मॉम के पास। मेरी वाइफ और मेरा बच्चू महाराज तो गए गांव। और जो हमारा सेकंड रूम है मिडिल रूम, उसके लिए पहले यहाँ से ऊपर जाने का था स्टेयर्स, लेकिन हम लोगों ने फिर उसे बाहर से कर दिया, क्योंकि अगर किसी को रेंट पर रूम देना हो तो दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 7-8 साल रेंट पर था, फिर मेरे भाई की शादी हो गई, सब हो गया, तो हम लोगों ने सारे रूम क्लियर कर दिया। अभी रेंट वगैरह पे कोई रूम नहीं है, अभी हम लोग ही रहते हैं सारे रूम्स में। तो ये है कुछ ऐसा नीचे का रूम, अच्छा खासा स्पेस है। और ये आप जो भी ये टाइल्स वगैरह देख रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बिठाई, सारी एक्चुअली टाइल्स हम लोगों ने बिठाई है। इसमें कोई भी टाइल्स पहले से नहीं थी, कोई भी नहीं, एक भी टाइल्स नहीं। ये सारी की सारी दीवार ऐसी थी, ये दीवार भी एक्चुअली हम लोगों ने दोबारा बनाई, हम लोगों ने नहीं, मतलब मेरे डैडी ने। ये जो रूम है ये मेरे मॉम और डैड की मेहनत की कमाई है, हम लोगों का इसमें हाथ नहीं है, हम लोग तो छोटे थे। हमारे मॉम डैड ने बहुत मेहनत की, मेरे डैड बाहर जाते थे, शेफ का काम करते थे। जब मैं 1987 में बॉर्न हुआ तब से लेकर 2004 तक मेरे डैड बाहर गए। 2005 तक जब ये रूम लिया हम लोगों ने लोन पे, तो मेरे डैड ने क्लियर की। तो ये है किचन, और ये भी सारी चीजें हम लोगों ने बनाई। ये रूम एक्चुअली पहले कैसा दिखता था मुझे अभी तक, इधर केक है देखिए। अरे वाह, केक है उधर, बिल्ली चिकन नहीं। चलो चलो बाहर, चलो बंद करा। हाँ, ये रूम एक्चुअली कैसे दिखता था पहले मुझे वो भी अच्छे से याद नहीं है, मैं पूरी तरह भूल चुका हूँ। 2004 में हम लोगों ने ये रूम लिया था। ऐसा कुछ दिखता है किचन, ये यहाँ ऊपर सारी चीजें रखने के लिए, ये बर्तन रखने के लिए, ये सारी चीजें नहीं थी, ये हम लोगों ने बनाई। पीछे भी एक डोर है, यहाँ मेरी वाइफ रहती है तो कपड़ा धोती है, मेरी भाभी भी कपड़ा धोती है कभी कभी। ये पीछे पूरा खाली था, जंगल था, तो हम लोगों ने यहाँ पर गार्डन वगैरह बनाया अच्छे से, पेड़ वगैरह। और जो हमारे पड़ोस के लोग हैं उन लोगों ने भी एकदम अच्छे से बना लिया सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टेम्प्रेरी बनाई है, गवर्नमेंट चाहे जब भी तोड़ सकती है इसे। हम लोगों ने बस टेम्प्रेरी बेसिस पे, अगर जंगल था, सांप वाप थे, इसीलिए इसे अच्छे से क्लीन करके बनाया, ताकि अगर बच्चे लोग खेल सकें, शुद्ध हवा ले सकें, पेड़ से हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए सारी चीज़ें बनाई है। ए चलो खुशी, शीतू इधर आओ, सोल्जर शीतू इधर आओ, शांति ले, चल इधर। बहुत 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 बदमाश है लड़की। ये हमारा नीचे का वॉशरूम, तो इसमें पहले शावर वगैरह नहीं था, ये हम लोगों ने बिठाया बहुत साल पहले। ये बहुत साल पहले का शावर है, ये 2005-2006 का, और अभी तक चल रहा है। वेरी गुड। चलो अभी ऊपर के रूम में चलो। अब ये आता है हमारा सेकंड रूम, जो मैंने बताया कि पहले उसका डोर यहाँ से था, लेकिन ऊपर रेंट वाले रखने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ बाहर से किया। और ये भी सारी टाइल्स हम लोगों ने लगाई, ये भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो ये आता हमारा मिडिल रूम, मेरी मॉम फिलहाल रेस्ट कर रही है। ये हमारे बच्चू महाराज का फ़ोटो, ये मेरे डैड के जवानी का फ़ोटो, और ये हमारी सोल्जर अंजलि ये वाली, ये इसके बचपन का फ़ोटो, ये मेरे मॉम डैड, ये जब मेरे डैड बाहर जा रहे थे दुबई या कुवैत, तब एयरपोर्ट जाते समय हम लोगों ने लिया था ये पिक, मुझे आज भी याद है अच्छे से। और ये भी मेरे मॉम डैड का, ऐसा कुछ है हम लोगों का मिडिल रूम। ये यहाँ पर कबर्ड, ये कबर्ड अपनी कब घित लाई, नए वर्ष है ना, बहुत साल पहले, करीबन 2000 के करीब हम लोगों ने कबर्ड लिया था, और मुझे आज भी याद है ये कबर्ड हम लोगों ने लिया था चेंबूर डायमंड गार्डन के यहाँ से, बराबर ना, चेंबूर डायमंड गार्डन। कितने का घितला था? 4000 में लिया था बैक इन 2000, और तब मैं और मेरा भाई पूरे रास्ते नाच कर आए थे, हम लोग हाथ गाड़ी के ऊपर एक कबर्ड ला रहे थे। कितने का घितला अपन ने आई है? 2004 में हम लोगों ने लिया था ये रूम, करीबन 14 जुलाई 2004 हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है। और 5 लाख में लिया था हम लोगों ने, तभी कुछ अमाउंट लोन पे था, कुछ कैश पे था, और अब जाके रूम की कीमत है अराउंड 50 लाख, 50 लाख आसन आए,
हाँ वही 40 to 50 मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है इसमें। ये टेरेस लगाई है, पूरा रूम बनाया है, ऊपर टेरेस था तो टेरेस को भी रूम बनाया है। यहाँ पर एक्चुअली सभी लोगों ने टेरेस को रूम बनाया है। और यहाँ से एंटर होके किचन, ये भी तभी नहीं था, ये भी हम लोगों ने बनाया। ये सारी चीज़ें, ये ऐसा कुछ है, सेकेंड रूम का वॉशरूम। तो अब जाते हैं थर्ड रूम पे, जो कि पहले टेरेस था लेकिन उसे रूम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से हमारे टेरेस का रास्ता, और यहाँ पर भी होल्डर लगाए हुआ हम लोगों ने कि ऊपर जाते रहते हम लोग चीज़ें पकड़ सके इसे। तो ये है ऊपर का रूम जो कि पहले टेरेस था। और अभी मेरा भाई सोया हुआ है, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये उसका सिस्टम है। मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यहाँ पर मेरा सिस्टम है। मेरी जो शिफ्ट है वो तो 6 बजे शुरू होने वाली है, तो आई स्टिल हैव 45 मिनट्स इन माय हैंड्स सो दैट आई कैन गिव यू अ लिटिल टूर। जो पहले हमारा टेरेस था ये पूरा खुला हुआ था, टेरेस का पूरा खुला हुआ था, सिर्फ ये चीज़ थी, ये इतनी सा पोर्शन था। और यहाँ पर एक दीवार थी जो करीबन इतनी थी, ये जो खिड़की है यहाँ से इतनी दीवार पीछे तक, और वैसे ही सारे टेरेस थे। लेकिन फिर हम लोगों ने रूम बनाया और ये ऐसा कुछ है। ये पहले ये भी नहीं था, ये पूरा ओपन था। ये ऊपर जो पत्रा लगा हुआ है ये हम लोगों ने लगाया हुआ है सीमेंट का। ये जो ऊपर स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये पहले ओपन था, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें डाल दी है। मंदिर ये यहाँ पर भी एक मंदिर है जो एकदम लास्ट, एकदम नीचे के रूम में एक मंदिर था, और एक यहाँ के रूम में मंदिर है। फिर यहाँ से आता है अंदर का रूम। ये हमारी पानी की टाकी, ये जो टाकी है ये नीचे के दो रूम में काम आती है, और ऊपर के ये खास ये रूम के लिए ये वाला टाकी है जो ऊपर लगा हुआ है। ये कितने लीटर का मुझे कम्प्लीटली कोई आइडिया नहीं है। और ऊपर भी एक वॉशरूम है जो ऊपर के रूम के लिए, अगर घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं। और ये पीछे की खिड़की यहाँ से बहुत मस्त हवा आती है, लेकिन शाम को मच्छर भी आते हैं। बस यही था दोस्तों हमारा छोटा सा प्यारा सा होम टूर व्लॉग। जितना मेरे से अच्छा बन सकता था उतना मैंने बनाने की कोशिश की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, एंड इफ़ यू न्यू डू इट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। जैसा मैं हमारे बच्ची लोग को मिशन देता हूँ, ये मिशन करो, वैसे मेरे मॉम की तरफ से मुझे मिशन मिला, तो फटाफट मुझे भी ये मिशन कम्प्लीट करना है। और 6 बजे की शिफ्ट है, फटाफट सारी चीज़ें रेडी करके फिर लॉग इन करना है। और बस यही था एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा घर कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा, हमारी छोटी प्यारी प्यारी सोल्जर्स कैसे लगी। तो बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर।